किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अगर विश्वास सच्चा होना तो पत्थर में भी ईश्वर मिल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल कुमार है और एक बहुत छोटी सी कहानी मुझे याद आती है और ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की। एक 8 साल का छोटा सा बच्चा अपने हाथ की मुट्ठी में 1 रुपये लेकर एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान भागा जा रहा था और एक ही बात पूछता था कि अंकल, आपके यहाँ ईश्वर मिलते हैं क्या? जो दुकानदार उसकी बात सुनता तो कोई उसे भगा देता था, तो कोई उसे झटकार देता था, कोई धक्के मार के दुकान से बाहर कर देता था। ऐसे करते हुए बच्चे ने एक नहीं पूरे 40 दुकानों के चक्कर लगाए। 40 दुकानों में उसे यही सब मिला, लेकिन बच्चा था, उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वह एक ऐसी दुकान पर पहुंचा जहां एक बुजुर्ग दुकानदार बैठा था। बच्चे ने उससे भी वही सवाल किया। उस बच्चे ने बुजुर्ग दुकानदार से बोला कि अंकल जी, आपके यहाँ ईश्वर मिलते हैं? यह सवाल सुनकर वो बुजुर्ग बोलते हैं, क्या करोगे ईश्वर का तुम? इस बच्चे ने बड़ी उम्मीद से जवाब दिया, आपको पता है अंकल जी, इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं है। वो मेरे लिए कितना काम करती है, मेरे लिए खाना बनाती है, मुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है, जब तक मैं सो ना जाऊँ वो मुझे जगाती है। आज वो हॉस्पिटल में है, अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे खाना कौन खिलाएगा, इतना प्यार कौन करेगा? जब मैं डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं, तो आपकी दुकान पर ईश्वर से मिलने आए हैं। इस बात पर वो बुजुर्ग दुकानदार थोड़ा मुस्कुराया और मुस्कुरा के कहते हैं, हाँ मिल तो जाएंगे ईश्वर, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? बच्चे ने अपनी मुट्ठी खोल के दिखाई और कहा, 1 रुपये है अंकल जी। बुजुर्ग ने बच्चे के हाथ से 1 रुपये लिया और पास की पानी के फिल्टर में से एक छोटी सी बोतल में पानी भर के दे दिया और कहा, जाकर ये पानी की अपनी माँ को पिला देना, वो जल्द ही अच्छी हो जाएगी। अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस हॉस्पिटल में आए, बच्चों की माँ का ऑपरेशन हुआ और वो ठीक हो गई। ठीक होने के बाद हॉस्पिटल के डिस्चार्ज पेपर पर हॉस्पिटल का बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए और वो बहुत चिंतित हो गई। तब डॉक्टर ने उसकी चिंता देखकर उसे विश्वास दिया और बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, कोई बात नहीं, एक बुजुर्ग सर्जन ने आपके सारे बिल भर दिए हैं, साथ ही साथ एक चिट्ठी भी दिया है आपको। उस महिला ने वो चिट्ठी खोल के पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको तो स्वयं ईश्वर ने बचाया है, मैं तो सिर्फ एक जड़िया हूँ मात्र, और धन्यवाद देना है तो अपने उस छोटे से बच्चे को दीजिए जो सिर्फ 1 रुपये लेकर नासमझ की तरह ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में यह विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही है, उसकी माँ को बचा सकता है। सच बताऊँ तो बड़े बड़े विश्वास देखे हैं, पर इससे बड़ा नहीं, इसे कहते हैं सच्चा विश्वास। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।